क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आप आध्यात्मिक जागृति का अनुभव कर रहे हैं? ये पेचीदा प्रश्न हमें अपने आंतरिक अस्तित्व के दायरे में उतरने के लिए आमंत्रित करता है। एक आध्यात्मिक जागृति एक धार्मिक तीर्थयात्रा नहीं है, बल्कि एक गहरी व्यक्तिगत यात्रा है। यह अपने आप को बेहतर ढंग से समझने, आत्मज्ञान की स्थिति तक पहुंचने के लिए हमारे अस्तित्व की परतों को खोलने के बारे में है। चेतना में यह मार्मिक बदलाव व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक अनदेखी लेकिन गहराई से महसूस की गई दुनिया में कदम रखने जैसा है। आध्यात्मिक जागृति के संकेतों को पहचानना आपके जीवन में एक गहन परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। आध्यात्मिक जागृति का पहला संकेत जागरूकता में वृद्धि है। ये सिर्फ अधिक चौकस होने के बारे में नहीं है, बल्कि आपके आसपास की दुनिया को वास्तव में समझने और उससे जुड़ने के बारे में है। ये सब कुछ उच्च परिभाषा में देखने जैसा है, उन सूक्ष्मताओं को नोटिस करना जिन्हें आप पहले याद कर सकते हैं। ये प्रकृति के लिए गहरी प्रशंसा, दूसरों की बढ़ती समझ और यहाँ तक कि सामाजिक और वैश्विक मुद्दों में एक नई रुचि पैदा कर सकता है। बढ़ी हुई जागरूकता एक ऐसी दुनिया के लिए एक खिड़की खोलने की तरह है जिसे आप कभी नहीं जानते थे। आध्यात्मिक जागृति का दूसरा संकेत प्राथमिकताओं में बदलाव है। अपने जीवन को एक हलचल वाले बाजार के रूप में कल्पना करें, जो भौतिकवादी गतिविधियों के शोर और विकर्षण से भरा है। अब कल्पना करें कि यह बाजार धीरे धीरे एक शांत बगीचे में बदल रहा है, जहां अनुभव, रिश्ते और व्यक्तिगत विकास सुंदर फूलों की तरह खिलते हैं। आध्यात्मिक जागरण के दौरान बदलती प्राथमिकताएं ऐसा ही महसूस करती हैं। शोर कम हो जाता है और जो वास्तव में मायने रखता है वो सबसे आगे आता है। जब आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, तो यह आपके जीवन की पहेली के टुकड़ों को फिर से व्यवस्थित करने जैसा है। आध्यात्मिक जागृति का तीसरा संकेत बढ़ा हुआ अंतर्ज्ञान है। ये जागृति अक्सर हमारी सहज ज्ञान युक्त क्षमताओं को गहरा कर सकती है। ऐसा लगता है जैसे हमारा आंतरिक कंपास अधिक सटीक हो जाता है, जो हमें अधिक स्पष्टता के साथ मार्गदर्शन करता है। हम खुद को अपनी आंत की भावनाओं पर अधिक भरोसा कर सकते हैं, या स्थितियों या लोगों के बारे में मजबूत अनुमान का अनुभव कर सकते हैं। यह मानसिक बनने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे आसपास की सूक्ष्म ऊर्जा के साथ अधिक तालमेल रखने के बारे में है। बढ़ा हुआ अंतर्ज्ञान आपकी यात्रा पर मार्गदर्शन करने वाले कंपास की तरह है। आध्यात्मिक जागृति का चौथा संकेत एकांत का आलिंगन है। यह अलगाव या दुनिया से भागने के बारे में नहीं है। यह आत्म प्रतिबिंब और आंतरिक शांति के लिए शांत क्षणों की तलाश करने के बारे में है। यह आपकी आत्मा की फुसफुसाहट सुनने के लिए जीवन की बकबक की मात्रा को कम करने के बारे में है। यह अपने आप के साथ एक गहरे संबंध की खोज करने, अपनी आत्मा का पोषण करने और अपने आंतरिक बगीचे की खेती करने के बारे में है। यह एकांत अकेलापन नहीं है, यह एक पवित्र स्थान है, भीतर एक अभयारण्य है। एकांत को गले लगाना एक हलचल वाले शहर में एक शांत जगह खोजने जैसा है। आध्यात्मिक जागृति का पांचवा संकेत एकता की भावना है। ये गहन संवेदना केवल दूसरों से जुड़ा हुआ महसूस करने के बारे में नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड को एक एकल परस्पर इकाई के रूप में समझने के बारे में भी है। जैसे जैसे आप आध्यात्मिक रूप से जागते हैं, आप केवल एक अलग दर्शक के बजाय इस भव्य ब्रह्मांडीय नृत्य का एक आंतरिक हिस्सा महसूस करना शुरू कर सकते हैं। एकता की यह भावना दुनिया में आपकी जगह की आपकी समझ को गहरा कर सकती है और आपके आसपास के लोगों के साथ मजबूत संबंधों को बढ़ावा दे सकती है। एकता की भावना यह महसूस करने की तरह है कि आप एक भव्य ब्रह्मांडीय नाटक का हिस्सा हैं। इन संकेतों को पहचानने से आपको ये समझने में मदद मिल सकती है कि क्या आप आध्यात्मिक जागृति के मार्ग पर हैं। हमने पांच संभावित संकेतकों का पता लगाया है, एक गहन जागरूकता का खिलना, जीवन की प्राथमिकताओं में बदलाव, एक बढ़ा हुआ अंतर्ज्ञान, एकांत के लिए एक नई प्रशंसा और आपके आसपास की दुनिया के साथ एकता की गहरी भावना। चिंतन करने के लिए कुछ समय लें। क्या आपने अपने भीतर इन परिवर्तनों को देखा है? याद रखें, आध्यात्मिक जागृति एक यात्रा है, गंतव्य नहीं, और इन संकेतों को पहचानना इस उल्लेखनीय यात्रा पर सिर्फ पहला कदम है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो देखने में उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे इसे बनाने में आया। हम अपने समुदाय की शक्ति में विश्वास करते हैं और हमें और अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए आपकी मदद की आवश्यकता है। यदि यह वीडियो आपको प्रेरित करता है तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ साझा करें। चलो सकारात्मकता को दूर दूर तक फैलाएं।